कोरोना वैक्सीन आने से पहले उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर से ड्राई रन होगा। इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 12 जगह पर जबकि 74 जिलों में 6-6 जगहों पर ड्राई रन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कोविड-19 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की। इसमें ड्राई रन से लेकर एक्चुअल वैक्सीनेशन तक की तैयारियों पर चर्चा की गई। ड्राई रन से पहले डीएम अभिषेक प्रकाश ने सभी संबंधित विभागों को लोगों को वर्कशॉप की और साथ में 2 जनवरी को से पहले ही ड्राई रन की कई कमियों को लेकर बातचीत होती रही थी। आपको ये भी बताते चलें कि बातचीत में किस तरह की जो कमियां रही थी इससे पहले उनको सुधारने की बातचीत हो रही और मुख्य फोकस विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाने पर रहा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि पहला ड्राई रन लखनऊ में 6 जगह पर हुआ था, लेकिन इस बार 12 अस्पतालों और CHC में ड्राई रन होगा। हर यूनिट हर 6 लोगों की एक टीम होगी और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन, आशा, NM और स्टाफ, नर्स, संबंधित संस्था के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। डीएम ने वर्कशॉप के दौरान ड्राई रन के साथ ही असल वैक्सीनेशन की तैयारियों पर भी बात की। लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए कुल 63 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल और CHC शामिल है। इसके अलावा 7 रिसर्च पॉइंट भी बनाए गए हैं जिसमें जरूरत पर संख्या बढ़ाई जा सके। हर टीम हर दिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। रिजर्व स्टाफ की भी ट्रेनिंग लगाई गई है। लखनऊ में वैक्सीनेशन स्टोरेज के लिए मास्टर बेस के अलावा 13 अन्य पॉइंट सेंटर भी तैयार किए गए हैं। इसके साथ में आपको यह भी बताते चलें कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन होगी, किस तरीके से उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अयोध्या की हम बात करें, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या ड्राई रन वहां पर शुरू हो चुका है, कितनी देर में शुरू होने वाला है? देखिए, आपको बता दें कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अयोध्या जनपद में आज कोरोना ड्राई रन को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं, जो प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज देने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आज से 9:30 बजे से पूरी तरीके से कोरोना टीकाकरण का जो है ड्राई रन जारी हो जाएगा। ये सबसे अहम बात है और लोगों में खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है, ये अहम बात है जी। लेकिन साथ में गौरव, ये भी हम समझने की अगर कोशिश करें कि अयोध्या पर, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे में किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या वहां पर वैक्सीन को रखने के संसाधन मुहैया कराए गए हैं, क्या वहां पर इस तरह की वहां पर संस्थाएं हैं, क्या इस तरह के सेंटर वहां पर हैं, हॉस्पिटल हैं? क्योंकि एक सीमित दायरे में उसको रखा जाता है, सीमित टेम्परेचर में रखा जाता है। देखिए, इसके लिए अयोध्या जनपद की हम बात करते हैं तो 3 शहरी व 3 ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों में चयनित किया गया है, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम वर्मा ने इसको जो है 3 शहरी और 3 ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों में इसकी पूरी तैयारियां की हैं और वहां पर ड्राई रन किया जाएगा, ये अहम बात होगी। लेकिन गौरव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि नई वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लोगों के बीच में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, क्या उन भ्रम को दूर करने के लिए, उन चर्चाओं को खत्म करने के लिए भी प्रशासन के द्वारा कोई रणनीति तैयार की गई है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और ऐसे में जो राजनीति समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के अपना बयान दिया है, उसमें अयोध्या के साधु संत हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर राजनीति करना एक निंदनीय है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर के राजनीति ना करें, तो इसको लेकर के लोगों को एक जागरूक किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर के जी। वैक्सीन के साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें गौरव, क्योंकि आज ड्राई रन है लेकिन उसके बाद में जल्द ही ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीनेशन का काम भी शुरू किया जाएगा, तो लोगों में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लोग उत्साहित हैं या लोगों में डर का माहौल है? देखिए, काफी दिनों से लोग कोरोना संक्रमण को लेकर के लोगों में एक भय बना रहता था, जिसको लेकर के जब से कोरोना वैक्सीन आई है और लोगों को ये पता चला कि आज कोरोना का ड्राई रन होना है, इसको लेकर के लोगों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों में एक चर्चा का विषय है और लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना का टीकाकरण लगाया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चयन स्थापित की गई है, जो चयन के माध्यम से जो है पूरा टीकाकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और जो कोरोना से संबंधित वॉरियर है, जैसे पुलिसकर्मी है, आशा है, जो इसकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पहले उनको वैक्सीन देने की तैयारी की जाएगी, फिर जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं और बच्चों को पहले टीकाकरण के लिए चयनित जी बिल्कुल बुजुर्गों को पहले इसका मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ अयोध्या से जुड़े साथ में रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं हापुड़ से और ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, हापुड़ में किस तरह की स्थिति है, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर या ड्राई रन को लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? आपको बता दूं कि इस समय पर जो है हापुड़ जिला जो स्वास्थ्य विभाग है और प्रशासन है, वो मुस्तैदी के साथ में बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आज जो योगी सरकार ने बोला है कि 75 जनपदों में 6 स्थान पर जो जिले ये इसका पूर्व अभ्यास किया जाएगा, कोविड-19 के जो टीकाकरण है
इसको इसमें जो तीन शहरी क्षेत्र लिए गए हैं और तीन ग्रामीण क्षेत्र लिए जा रहे हैं, जिस जहां पर ये पूरा जो इसका ट्रायल है वो किया जाएगा। साथ में रख रखाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर है? देखिए, रख रखाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं यहाँ पर पूर्णतः इस कोई इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने यहाँ पर इंतजाम किए हैं वो सही है बिल्कुल, जिसको लेकर के दिशा निर्देशित किया गया है। रविंद्र, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, हापुड़ में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में किस तरीके से वैक्सीनेशन की वहां पर तैयारी की जा रही है, किस तरीके से पहले क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगाई जाएगी या फिर उससे पहले शहरी क्षेत्रों में लगाई जाएगी, क्या इसको लेकर प्रशासन ने कोई जानकारी दी है? जी, अभी अभी इस बारे में कोई किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल बस अभी जो तीन शहरी क्षेत्र और तीन ग्रामीण क्षेत्रों को ही चिन्हित किया गया है और यहाँ पर पहले ट्रायल किया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जनता में जिस तरीका ये जो भय व्याप्त किया गया था, अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। साथ में रविंद्र, क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है, किस तरीके से वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन के बाद में क्या करना है, किस तरीके से स्थिति के इसको बनाए रखना है, क्या इसको लेकर जागरूक करने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जनता जनार्दन को बहुत अच्छे से जागरूक कर रही है। वहीं हमारे जो पुलिस कर्मी है वो भी जनता जनार्दन को बता रहे हैं कि जो इस जो टीकाकरण इस समय पर आ रहा है, इसको जो वैक्सीन है ये लाभप्रद है सभी के लिए, इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रांति ना फैलाई जाए। लेकिन रविंद्र, साथ में हापुड़ के आसपास बुलंदशहर है और साथ में गुलाबटी है, मेरठ है, अलग अलग तरह के बड़े शहर भी हैं, लेकिन क्या अभी भी कोरोना से संक्रमित लोगों के क्या मामले हापुड़ में देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय पर जो आए दिन है वो 5 या 10 से जो मामले हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं कोई ऐसी कैजुअलिटी हो गई हो जिसको लेकर के जिला प्रशासन ये दिखाए कि हाँ भाई यहाँ बहुत बड़े लेवल पर बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी अच्छे से स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य कर रहा है। बात रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता जुड़े। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हापुड़ में जो तमाम तैयारियां की जा रही है ड्राई रन को लेकर भी और वैक्सीनेशन को लेकर भी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।